छोटा सा गिफ्ट है जो थोड़ा सा पैसा था उससे खरीदा और देखेंगे चलते हैं। ये जो है ये ईस्ट की साइड होना चाहिए, मुझे आज पता चला ये तो इसकी साइड होना चाहिए बोल रहा है। तो ये आवाज है हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। क्या रहते हैं हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल पे गाइस। तो आज मदर्स डे स्पेशल है और ब्लॉग भी होने जा रहा है मदर्स डे स्पेशल का। तो मैंने कहा इस थोड़ा सा गिफ्ट लेके आया था माँ के लिए, तो ये गिफ्ट मैं आज नहीं दे रहा हूँ, मतलब अभी नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं जाऊँगा सिर्फ खाली हाथ जाऊँगा, फिर मिलूँगा, फिर बोलूँगा कि गिफ्ट नहीं है माँ मेरे पास तो देखते हैं रिएक्शन और फिर बाद में आके गिफ्ट देते, ठीक है। तो हाँ मैंने बाल भी काट लिया है क्योंकि मन नहीं था, फिर भी काट लिया, ब्लॉग में देखना क्यों काट लिया मैंने, ठीक है। तो चलते हैं गाइस अभी बिना देरी करते हुए। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। काम पड़ी सकने भी ठीक है। मम्मी तो खाना बना रहा है गाइस। ओ गाइस तो मैंने बाल क्यों काटा था ये वीडियो देखा आप तो। मम्मी गिफ्ट गिफ्ट ये केस काटे भाई। तो एक वीडियो देखा था मैंने बाल क्यों काटा, ठीक है। उसमें मलाई मदर्स डेको लागि गिफ्ट केही चाहिँदैन, मेरो लागि यो बाल चाहिँ अलिक छोटो छोटो गर्न पड़ेगा। इतनै खुश है हम। गाइस तो मैं आप रूम पे आ गया हूँ, अभी गिफ्ट लेके जाऊंगा तो मम्मी का रिएक्शन क्या होगा, बिना गिफ्ट के भी मम्मी खुश हुआ, अभी गिफ्ट दूंगा तो कितना खुश होंगे देखेंगे। तो छोटा सा गिफ्ट है जो थोड़ा सा पैसा था उससे खरीदा है और देखेंगे चलते हैं। तो मैं हर साल गिफ्ट देता था ना, तो इसलिए इस साल मैं घर पे हूँ, तो इस साल भी चलते है देखते हैं। चलो बाजे गुड मॉर्निंग। हाथ हलाई दिन ना, हाथ हलाई दिन ना, हाथ आयो हो लो 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 मम्मी आवाज है हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। क्या रही थे रो ना भाग के मानी हूँ मेरे छोरा धेरै धेरै राम्रो काम गर्नु हेरौँ न त खोलिकन त्यो आज आज आइहाल्छ भनेर चाहिँ त्यो फ्री गरिहाल्नु भनेर भगवान्कै नक्सले गिफ्ट उता अच्छा नै मिला त भगवान्कै कुछ ला दिए त आफू देखियो अच्छा अच्छा छैन के अच्छा भगवान होइन इसलिए अच्छा है मम्मी आँखा भरि आँसु बढाउँछ नि अन्त आँसु नै है आँखा भरि आँसु खोल्नु न के रहेछ हेर्नु न अनबक्सिङ हो रह्यो गाइस के छ कटाउकोमा पक्रिनु भएको अच्छा लगा बुवा कम थियो होइन बुवा मैले ल्याइदिएको त्यो पनि गरिहाल्नु पर्छ नि अन्त गर्यो गाइस देख सकते खोल्नु त मम्मी अलिकति बुद्ध भगवान है गाइस जो कि मुझे कुछ नहीं मिला वैसे ही ला दिया था। हजुर देख सकते हैं गाइस आँखा एक आँख खुला है एक आँख बंद है क्या खुला ही है खुला ही है तो अगले अगले साल दूसरा मतलब मैं उधर था ना हॉस्टल में था तो इस साल दिया ना
त्यो पहिलाको पनि छ त मक त्यति पहिलाको मक छ त्यहाँभन्दा अगाडि क्लिप 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 दिया था मैंने पैसा नहीं था तो क्लिप दिया तो गाइस अभी मम्मी बना रहा था फ्राई राइस जो कि हमारे पीजी के लिए और पिताजी बना रहे अचार जो पीजी रहता है ना हमारे पास चटनी 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 जो कि पीजी रहता है उन लोगों के लिए अभी वो लोग जाएगा कॉलेज पता नहीं उन लोगों का छुट्टी है या क्या है आज लेकिन आज हमारे घर में लामा भी पढ़ा रहा है तो लेना जाना है हाजू को मैं तो हाजू बोलता हूँ के भन्छ बोल लामा हरलाई लामा हाँ लामा ही बोलते हिंदी में तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया है मेरा तो गाइस अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और चलते हैं अभी हाजू को लेने जाने वाला है जूर का त्यो म आज जान आँटेको थिएँ बुवासँग कि म आज लामो काम छ नि त हाम्रो घरमा अन्त होइन ब्रजाब छौ मेरो कि अन्त कहाँको तपाईँ ए ए गाइस हाजु रेडी हो गएर त हाजु निकल रहा था खोजिदिनुहोस् ब्याग हाजु ठिकै गाइस फाइनली अभी हाजु आ गया है और यहाँ पे हाजु पहिले कुछ अरेन्ज कर रहा है छो और हाजु यहाँ पनि छ छो केरा मात्रै हो कि के छ हजुर अहिले यो पहिला मिलाएर दिन्छु ल हजुर प्रकाश अरेन्ज गरेँगे अर्को मिलेँगे ठिकै प्रकाश अभी ये बाँस है जो कि धजा बोलते उसके लिए जाएगा ये इसको यहाँ पे धजा लगाएंगे तो जैसे लगाएंगे आपको दिखाएंगे हमने जो लुंगर बनाया था हमने यहाँ पे लगा दिया है देख सकते हो तो ये जो है ये जो है ये ईस्ट की साइड होना चाहिए मुझे आज पता चला ये तो इसकी साइड होना चाहिए बोल रहा है तो ये लगा दिया हमने तो मेरा थोड़ा कपड़ा भी मेला हो गया तो चलते हैं देखते हैं गाइस होता है क्या देखते रहना तो गाइस अभी ऊपर हो गया है और अभी हमारा मेन छिशम में है तो हजे के देख खाना इधर का नजारा देख लीजिए आज थोड़ा ठंड है मुझे भी ठंड लग रहा है और ऐसे अब बाद में खाना खाएंगे खाना खाने का टाइम ही होने वाला है और हजो हजो मुस्कुरा रहा है थोड़ा थोड़ा सुन पड़ेगा खाना खा के सोएंगे और हाजू हाजू का अभी रेस्ट ब्रेक है गाइस ऐसे ही मैं मम्मी से बातचीत कर रहा था और ये क्रिस्पिन आ गया क्या करना है भाई बोल दे मम्मी ये ड्राइंग बनाना नहीं आया था हाजू के पास आया मैं बना दूं तेरा ड्राइंग तेरा मूवी का बता देना यूट्यूब पे मूवी है ना बता दे उसका नाम क्रॉसिंग बॉर्डर मामी हां कैसा था तेरा मतलब अच्छा लगा एक्टिंग करके अच्छा लगा मजा आया कितना दिन कितना दिन शूट के लिए चला गया तू एक महीना कहाँ से मतलब कहाँ से ले आया तू तुझे कौन मतलब कौन लोग ने लिया था तुझे मुझे सौरभ सर और वो क्या बोलता है दृष्टि दीदी ने ऑडिशन में बुलाया था और ऑडिशन में पास हो गया कितना पैसा मिला कितना मिला 10,000 वाह 10,000 कितना साल है तू चौदह साल में 10,000 कमाया वाह गाइस देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है हाँ तो चलो गाइस अभी इसका ड्राइंग बना देते हैं ओके गाइस तो फाइनली खत्म हो गया है हमारा जो वर्क था क्या था तेरा करने के लिए वो एपी एलियन और पेरी एलियन है जो उसका था अभी इसका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है मुझे उतना ड्राइंग भी बना नहीं आता तो यार मैंने क्या समझा मतलब जब मैं भी छोटा था ऐसे ही बड़ा लोग के साथ जाता बड़ा लोग के लिए जाता था फिर उन लोगों को कर देने के लिए बोलता था जब मैं नहीं कर पाता है भाई तो कुछ मेरा ही बचपन याद है तो इसके लिए कर दिया तो ये रहा थोड़ा कर दिया इसका ऐसे कर तो ये है
और क्या क्या बनाने लगा इसने मुझे ना मौका में चौका मार दिया इसने मुझे क्या बनाने लगा ये भी बनाने के लिए बोला ये फॉर्मेटिव उसका और ये फॉर्मेटिव उसका सब हो गया ना। तो इधर आओ कैमरा पे देख मुझे क्या खरीद रहा हूँ मीठी 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 क्या है भाई चिप्स कौन सा चिप्स प्लेस अभी चले गया अभी जाना किधर है घर पे कब एक पाँच दस मिनट में लेके आएगा हाँ ये इधर ही छोड़ जा फिर ले जा इधर आ मजा कर रहा था ठीक है जा कुछ नहीं चाहिए ठीक है ऐसे ही मजा कर रहा था थैंक यू बोल पहले थैंक यू जोजो ओके गाइस तो मिलते हैं बाद में थोड़ा आप नाऊंगा मैं तो फिर आवाज मिलते ठीक है। चलो गाइस मैं निकला था घूमने और मम्मी थोड़ा बिजी रहा दुकान पे तो थोड़ा सा बर्तन वो धोकर धोता हूँ और फिर निकलता हूँ हाँ तो बर्तन आप तो गाइस यहाँ पे पानी का बहुत दुख है मतलब पानी उतना आता नहीं पानी का बहुत क्राइसिस है यहाँ पे। तो यार गाइस अभी मैं इधर आया हूँ पता नहीं यूडेन ने बुलाया है और हमारा जो हज है वो ख़त्म करके ये चाय पी रहा है घर पे तो जैसे हज चाय पी ख़त्म हो जाएगा मैं उनको घर लेके जाऊँगा फिर से क्यों क्या क्या है मोमो किस पास किसका भैंस का भैंस तो गाइस देखो फ्राइड मोमो भैंस का तो खाते है गाइस इधर दो सुना लगा इधर मैं आपको सलाम दूंगा ये रे ए ओ चैन मा सारे वाले बैठ जाओ तेरा आता सारी कोई मार से लात ताऊ दिन सो तो कंट्रोल कंट्रोल गाइस तो मोमो भी खा लिया मैंने तो रात को मैं थोड़ा देर से मोमो खाना खाऊंगा क्योंकि मेरा जो क्लास है 7 बजे से 8 बजे तक ऐसा कुछ क्लास है तो हमारे घर में 7:30 में खाना खाता है तो मैं हॉटकेस पे लेके आऊँगा टिफिन पे लेके क्योंकि मेरा क्लास शुरू होता है ना तो किसका क्लास है मैं बता नहीं सकता अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ तो मैं क्लास आपको इसे नहीं बता सकता हूँ और चलो हाजू ने भी खा लिया होगा शायद हाजू को भी घर लेके जाते हैं अभी मैं घर आया हूँ थोड़ा सा बिजी था और उधर गया था हाजो चला गया मैं गया हाजो हाजो चला गया और हाजो ने सामान छोड़ के रखा है तो सामान मैं पूरा दूंगा हाजो के घर पे ठीक है। तो मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए नीचे मामा के घर पे तो उधर भी जाऊंगा। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ हाजो के घर पे हाजो बैग तला कि हमारा संग बात मारने टाइम गए लाइट छ बत्ती लो तो गाइस हाजो का बैग रख देता हूँ थोड़ा और ये लिखा है मेरा डिनर नीचे तो कॉपी भी लेके गया मेरा क्लास है जो कि मैं बता नहीं सकता आपको बोला ना क्लास हाजो यार रख दे चूला ला गोगो मो ला ढिलो बा पाला हबू जाको में गए थे कि हजर ते बसे ना हाँ भेटेक थी हो ना भेटिकन आगे हुन्छ हाजो गोगो हजू ठीक है हाजू फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ पे जो मुझे डिनर के बुलाया था डिनर के लिए यहाँ पे है फाले और ये अर्चन नाना हेलो कर दिन ना जो कि जल्दी आने वाला है ये सैटरडे तो गाइस स्टे ट्यून ब्लॉग आएगा सब कुछ तो आज का भी आएगा जल्दी आएगा और मेरा पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा मुझे दिक्कत था मतलब अभी मैं बिजी था तो मैं जल्दी से पोस्ट करूंगा ये वीडियो भी आपके लिए तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस कंटिन्यू ये ब्लॉग जाएगा आप मेरा क्लास से भाई गाइस। तो ये है मेरा नोट्स क्लास के लिए तो क्या क्लास है मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं क्या है कैसा है मैं बताऊँगा और फिर आपको आपको भी इंटरेस्ट हो आप भी उस पर जा सकते हो एनरोल हो सकते हो ठीक है। तो अभी मैं क्लास बैठूंगा 7 बज गया तो क्लास बैठना है 7 बजे से क्लास है ऑनलाइन क्लास।
ओके गाइस, मैं तो भूल गया था कि मैं वीडियो कर रहा था, व्लॉग कर रहा था, क्योंकि वो क्लास में इतना बिजी हो गया था ना, मैं अंदर ही अंदर में डूब गया था क्लास के अंदर। सो अभी अभी ख़त्म हो गया, वहाँ पे भी मैं खाना खाते वक्त भी क्लास कर रहा था यार। खाना खा रहा था क्लास कर रहा था ना, तो कुछ याद ही नहीं हुआ, मतलब इतना डूब गया था। रास्ते पर भी आते आते मैं जूम ऐप से होता था हमारा क्लास, तो जूम ऐप से मैं देख कर आ रहा था। तो मैं सोने वाला था गाइस अभी, तो ये देख सकते हैं हमारा, मतलब ये वगैरह, मतलब नोट से ये सब, मतलब क्लास होता है हमारा थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी ख़त्म हो गया है क्लास, शायद एक घंटा डेढ़ घंटा का हो गया था। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, या ना आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि मैं किसका क्लास बैठ रहा हूँ वो भी, तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, मैं क्या का बैठ रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। मैं मतलब सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होता है, तो इसलिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल जल्दी, ठीक है।